भारत जापान अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वक्त के साथ हर रिश्ते में पड़ाव आता है। ऐसे ही भारत और जापान की दोस्ती में नया पड़ाव आया है। उस पड़ाव का नाम है योशिहिदे सुगा। जी, ये जापान के नए पीएम हैं, जो शिंजो आबे के इस्तीफे के बाद जापान के पीएम पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके पहले सुगा जापान की सरकार में मुख्य कैबिनेट सचिव थे और वो पीएम पद छोड़ चुके शिंजो आबे के विश्वास पात्र भी हैं। सुगा और आबे का साथ साल 2012 से है। सुगा अब शिंजो आबे के दाहिना हाथ माने जाते हैं। जापान में सुगा व्यवहारिक नेता माने जाते हैं और उनके बारे में धारणा है कि वो पर्दे के पीछे रहकर डील करते हैं। योशिहिदे सुगा एक किसान के बेटे बताए जाते हैं। उनके पिता स्ट्रॉबेरी की खेती करते थे। सुगा का जन्म जापान के अकिता में हुआ। वहां पर हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो टोक्यो आ गए। सीएनएन की रिपोर्ट कहती है कि यहां पर जीविका चलाने के लिए उन्होंने कीबोर्ड फैक्ट्री में कभी नौकरी की तो कभी उन्होंने मछली बाजार में मछली बेची। शिंजो आबे की पद छोड़ने की असामयिक घोषणा के बाद एशिया के इस शक्तिशाली देश में हलचल मच गई थी। इस घोषणा का असर पूरी दुनिया में दिखा था। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी शिंजो आबे को निजी रूप से फोन किया और उनके सेहत का हालचाल लिया था। उस दौरान पीएम मोदी को आबे ने यह बात कही थी कि भारत जापान की दोस्ती और मजबूत होगी और उसे नए पीएम नई ऊंचाई देंगे। इसके साथ ही भारत और जापान के बीच कई अहम समझौते भी हुए थे, जिसको लेकर माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में चीन की परेशानी बढ़ाने के लिए भारत जापान साझा काम कर सकते हैं। सुगा जापान में सबसे लंबे समय तक मुख्य कैबिनेट सचिव रहे हैं। वो आबे के नीति समन्वयक और सलाहकार रहे हैं। वो प्रधानमंत्री कार्यालय की केंद्रीकृत शक्तियों की धुरी बताए जाते हैं, जिसने नौकरशाहों पर नीतियां लागू करने पर जोर दिया। उनके कामकाज का अंदाज यूएस को भी पसंद है। ऐसे में अगर जापान भारत अमेरिका का गठजोड़ और मजबूत होता है तो फिर दुनिया में इन देशों की तूती बोल सकती है। चीन से तनाव के बीच क्वाड का जिक्र भी जोरों पर है। क्वाड के चार देशों में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। कोरोना महामारी के बीच नई दिल्ली क्वाड मिनिस्ट्रियल मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि भारत जापान की दोस्ती आने वाले दिनों में और मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।